नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में कई सारे चर्चे सुने होंगे और इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे यूएस जैसी कंट्री भी लुभाने की कोशिश करे ये अपने दोस्त के साथ देते हैं और उन्हें प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस दोस्ती को एक और लेवल पे ले जाया जा रहा है। रशिया भारत के कल्चर को अपने देश में प्रचार कर रहा है और अपने बच्चों को भी सिखा रहा है भारतीय संस्कृति, जिसमें जो कोई भी भारतीय संस्कृति को अच्छे से दर्शाता है उसे पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और सिर्फ रशिया ही नहीं दोस्तों, अब पूरी दुनिया ही भारतीय संस्कृति की दीवानी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जितने भी बचे कुछ कंपनीज है वे सब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में अब कारोबार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर भी पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी और रशिया के रिलेशनशिप की, अभी रिसेंटली जो है रशिया में स्टूडेंट्स ने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया था। जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज रशिया में इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल के अंदर। मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। सिर्फ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। इंडिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। रशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उनकी यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया लिखाया सिखाया बताया जाता है दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। यकीन करें मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है, मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे, मैं आज पढ़ रहा था पाकिस्तान में 60% लोग गरीब है, बाकी 40% फौजी। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपके तरफ राग़िब नहीं होती, ठीक है, आप बोलोगे इंडियन तो लड़के आएंगे आपके पास। सो दिस इज वे वी आर। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले, हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज खराब किया हुआ, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैंने और इधर उधर भाग जाओ, पाकिस्तानी ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं है इनकी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सर क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारी भी एक वैल्यू बने इंटरनेशनल लेवल पे? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारा यंग जनरेशन, मैं कहता हूँ अब पहले वालों को आप छोड़ दें, अब आप सीधे रास्ते पे आए, सीधे सच्चे जिंदगी से आप आगे मत, अब सच्चे रहें और अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कभी खराब मत होने दें, बस यही मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों से कि जहां भी आप जाओ जिस मुल्क में जाओ अपना अपने मुल्क का नाम बदनाम मत। पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल एकेडमी है ना जहाँ वो ट्रेनिंग होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी। तो उसको पढ़े, आपकी किताब पढ़ी है, आपकी किताब और बाकी इंडियन की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, उसको आप जरूर पढ़े, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है, क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थ्योरी है वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है तो इसलिए वो ऑपरेसर है, इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो
तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है